दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप दिख रहे टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाई मैं जो वापस से खेल रहा था पबजी मोबाइल, क्योंकि भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोलता कि गौरव भाई पबजी मोबाइल खेलो, पबजी मोबाइल खेलो, पबजी मोबाइल का गेम प्ले डालो। तो भाई आप लोगों को कैसे बताऊं, इतनी टाइम से नहीं खेला मैंने पबजी, इसलिए दोस्तों हो गई थी मेरे कब्जी। अब फिलहाल दोस्तों इस कब्जी को तोड़ने के लिए मैंने खाया ढेर सारा पपीता। क्या बोला तूने? ओ सॉरी, पपीता। वेरी गुड। जिससे दोस्तों मेरे को लग गए दस्त। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो है मैं बंदे मारने वाला हूँ जबरदस्त। अच्छा, अब फिलहाल तो यहाँ पे जो है आप लोगों से क्या छुपाऊं भाई, मैं जो है ज्यादातर ना बीजीएमआई खेलता हूँ, तो पबजी की यार बहुत कम खेलता हूँ। और भाई जिसके वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को बताया, मेरे को ढेर सारे कमलेश मिलते हैं इसके अंदर, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को खेलने का मन भी नहीं करता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई प्लेन पास आ चुका था, शूटिंग रेंज से आ रहा था भाई मिलटट्टी बेस की तरफ में। तो फिर मैंने कहा किधर कूदूं किधर कूदूं। और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ना हॉट ड्रॉप पे उतर के दिखाया था, मतलब इसके अंदर ना आपको दो मिलते हैं ना, वो इमेजिनरी वर्ल्ड करके कुछ मिलते हैं, तो भाई वो दो वर्ल्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऑलरेडी वहाँ पे कूद चुका था, तो फिर मैंने कहा इस बार आपको जो है वापस से टावर पे जाके दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई वहाँ पे मिलती है फ्लेयर गन। और भाई यकीन मानो भाई मेरे को उतरते ही यहाँ पे जो है लैंड होती भाई दो दो फ्लेयर गन मिलने वाली है। मतलब भाई ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो है ना आपको भाई 101% फ्लेयर गन मिलती है। मतलब भाई कुछ मिले ना मिले लेकिन फ्लेयर गन जरूर मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं अपनी गंदी नजर दिखाने के लिए, आपको तो पता है मेरी कितनी ज्यादा गंदी नजर है, तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले फ्लेयर गन ही उठाते हैं और भाई अच्छी खासी लूट करके, बेस्ट लूट करके फिर दोस्तों यहाँ पे जो है बंदों को मारा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है अब मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे दोस्तों जो है बंदे कैसे आएंगे, क्योंकि भाई काफी टाइम गेम ओपन करा है, तो हो सकता है गेम मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए और भाई मेरे को जो है एकदम नूबड़ी वाली लॉबी दे दे, या फिर हो सकता है कमलेशेडी वाली लॉबी दे दे। अच्छा, तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है आप देखना ये था कि कैसी लॉबी लगी है ये। अब फिलहाल दोस्तों जब मैं यहाँ पे जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ आसपास तो कोई भी दिख रहा भाई साहब, लगता है मेरे अलावा कोई नहीं कूद रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं सोचता हूँ चलो भाई मजा आएगा, प्लेयर गन उठाऊंगा और मजे लूंगा। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आसपास देखा मुझे कोई नहीं दिखा। और भाई जैसे दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लैंड करता हूँ ना, तो भाई मैं एकदम परफेक्ट लैंड करता हूँ। और भाई जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आता हूँ तो मेरा आते ही क्या वेलकम हुआ, लेकिन आते ही क्या वेलकम हुआ भाई साहब, प्लेयर गन मिल गई। और भाई आते ही दोस्तों मेरे कहा था भाई उतरते मेरे को प्लेयर गन मिलती है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैं प्लेयर गन को लूटता हूँ ना, तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और भाई मेरे को यमपी मिल गई थी। तो भाई इतने में दोस्तों यहाँ पे एक बंदा लैंड होता है और भाई साहब चूरन की स्पीड में भागता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई इसको तो हवा में लटका दिया मैंने। अब फिलहाल दोस्तों इसको मारने के बाद ना भाई मैं नीचे जाता हूँ, और जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं लूटो पार्टी कर रहा था, इतने में एक और प्लेयर गन मिल गई। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, मतलब भाई मजा ही आ गया मेरे घर भाई साहब, दो दो प्लेयर गन मिल गई। चलो भाई फटाफट से थंबनेल बनाते हैं। अब फिलहाल दोस्तों आप देखते भाई यहाँ पे इस टावर में ना भाई क्या ही प्लेयर गन मिलती है। अब फिलहाल दोस्तों मैं जो है भाई कुछ ज्यादा ही गंदी दिखाने लग गया था, मैं कुछ ज्यादा लालच में आ गया था, मैंने कहा भाई शायद हो सकता है एक और प्लेयर गन मिलेगी। ठीक है, अभी तो भाई मैंने एक ही सीढ़ी उतरा हूँ, मतलब दो प्लेयर गन मिल चुकी है, तो भाई क्या पता और उतरू और आगे और ज्यादा मिल जाए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है लूटा पार्टी करने के लिए भाई जो है उतावला हो गया था और ज्यादा, और भाई यहाँ पर दोस्तों जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और चेक करता हूँ कहाँ पे प्लेयर गन मिल सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मेरे को आगे जाके ना और प्लेयर गन तो नहीं मिल रही थी, लेकिन दोस्तों मेरे को डाउट ही हो रहा था कि भाई बंदे तो होने चाहिए भाई आसपास, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भाई प्लेयर गन मिलती है। और दोस्तों इतने में भाई मेरा शक बिल्कुल सही था भाई, गाड़ी आती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में आपको गाड़ी के निशान भी आ गए होंगे, तो मैंने कहा चलो भाई इसको नीचे मारने चलते हैं। अब भाई ये गाड़ी वाला रुक भी गया था और आपको आवाज भी आई होगी, तो फिर मैं समझ गया था भाई ये जो है मेरे को मार सकता है। इतने दोस्तों पीछे मैंने देखा एक कमलेश भी आ गया, ठीक है, जो कि टैप टैप कर रहा है और मेरे को बुला रहा है। तो मैंने कहा भाई इससे पहले कोई और मारे मैं अपनी केडी बढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई कमलेश मेरे को बुला रहा है, गौरव आवाज है केडी बढ़ा ले डुन 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 डुन। तो यहाँ पे जो मैं जंप मारता हूँ और मैं कमलेश की केडी बढ़ाने के लिए भागता हूँ। क्या बोला तूने? और मैं जो अपनी केडी बढ़ाने के लिए भागता हूँ, लेकिन दोस्तों सामने में देखता हूँ बंदा है। और यहाँ पे दोस्तों जो है मैं सोच रहा था यार किसको मारू किसको मारू, क्योंकि दो बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार किसको मारू किसको मारू। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक बंदा जो है दूसरे वाले बंदे को मार देता है, तो फिलहाल दोस्तों मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ ओपन में जाऊंगा तो क्या पता वो मुझे मार दे। मैंने निकाला बम्बानी, क्योंकि मैं बनना चाहता था अंबानी, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने बम्बानी निकाला। और भाई नए वाले अपडेट में ना ये चीज मस्त है, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ एंगल बनाना नहीं है, खुद ही बता देता है कहाँ पे गिरेगा बम। तो यहाँ पे जो है मैंने भाई निकाला लड्डू और भाई फेंक के मारा बुड़म बड़ाम। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई ये वाला बंदा मर गया और मैं बन गया था अंबानी। और मैंने कहा चलो भाई फटाफट से जो इसकी लूटा पार्टी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों से पहले मेरे को जो है ना आवाज आती है कमलेश मेरे को बुला रहा है और आवाज केडी बढ़ा ले। अब यहाँ पर जो मैं जाता हूँ मारने, लेकिन मैं देखता हूँ भाई साहब पत्थर के पीछे एक बंदा कैम कर रहा है। ओ भाई साहब, मैंने कहा अच्छा ये मजदूर जो है बड़ा तगड़ा स्कैम कर रहा है, इसने भाई एक तो मेरा कमलेश उड़ा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं अगर ऊपर में जाऊंगा तो भाई ये मेरे को मार देगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने रिस्क नहीं लिया। और यहाँ पे दोस्तों मैं बैठ के इसको टीपी पे लेके देख रहा था कि ये बाहर निकलेगा बाहर निकलेगा, लेकिन भाई ये एक नंबर का मजदूर था भाई, ये तो बाहर आता नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं फटाफट से पहले इन घर में ना लूटा पार्टी करते हैं, ये वाला जो मैंने बंदा मारता है इसकी पेटी में देखते क्या है। और भाई इसकी पेटी में मेरे को कमलेश मारो दिख जाती है और भी बहुत सारी लूटा पार्टी थी, तो भाई मैं फटाफट से लूटा पार्टी करने लग गया और भाई मेरे को मस्त लूट मिल गई थी काफी सारी। तो मैंने कहा चलो भाई इस वाले घर के ऊपर आते हैं और भाई यहाँ से एंगल बनाते हैं, क्या पता वो बंदा बाहर आ जाए। अब फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको उठाता हूं ना, तो देखो बंदा दिखता है मेरे को।
और ये वही बंदा होता है दोस्तों यहाँ पे जो है भाई इसकी जो पहली बुलेट है ना भाई वो जो सीढ़ी पे लग गई इसकी भी दोस्तों यहाँ पे जो इसकी एक भी बुलेट मेरे को कनेक्ट नहीं और भाई मैं बच गया। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने सारे बंदे मार दिए जो भी आसपास आए थे तो मैंने कहा एक काम करते हैं चलो भाई फटाफट से यहाँ पे जो है ना फ्लेयर गन चला देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को डर ये था कि फ्लेयर गन कहाँ पे चलाऊं क्योंकि भाई आसपास बहुत सारी बिल्डिंग है तो कहीं ना कहीं मेरी जो है फ्लेयर गन अटक सकती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं थोड़ा ना साइड में जाता हूँ और सोचता हूँ किस साइड चलाऊँ और फिर दोस्तों मैंने जो है फाइनली डिसाइड करा मैं जो टावर के पास भी चलाऊंगा क्योंकि भाई ऊपर भी आई तो भाई अटकेगी नहीं और भाई मैं उसको जो है इजिली उठा सकता हूँ। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई मैंने फ्लेयर गन तो चला दी थी लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है चीट कोड बोलना भूल गया था आपको पता है ना AWWM। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने ये वाला चीट कोड नहीं डाला मैं भूल गया भाई डालना। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने दो फ्लेयर गन चलाई थी मुझे लग रहा भाई फिर भी आ जाएगी क्योंकि भाई मैंने चीट कोड नहीं डाला तो क्या हुआ भाई दो फ्लेयर गन चलाई है तो हो सकता है आ जाएगी लेकिन दोस्तों देखना ये था यहाँ पे जो है मेरे को अब AWWM मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों जब तक मेरा प्राइवेट ड्रॉप आ रहा था ना तब तक दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बैठ के मस्त लूटा पार्टी करता और यहाँ पर जो है मैंने पूरी झाड़ू लगा दी थी भाई इस वाले एरिया की और यहाँ पे दोस्तों आप देखते भाई मैंने आसमान में देखा और यहाँ पे दोस्तों मैं कमलेश यादव बोलता गौरव आजा केडी बना ले डन 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 डन। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जब मैं इसको मारता हूँ और भाई इसके पास भी M14 तो गॉड गन थी तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं इस कमलेश को मारता हूँ मैं देखता हूँ आसमान में हाँ भाई मेरी दोनों फ्लेयर गन जो है आराम से आ रही है और कहीं भी नहीं अटकी है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ ये चीज देख के लेकिन दोस्तों इधर में यहाँ पे दोस्तों जो एक बंदा आता है और भाई मेरे ऊपर फायर करता है और भाई इसका टीवी लेने का स्टाइल देखो भाई साहब एक नंबर का नूबड़ा इंसान। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको मारता हूँ और दोस्तों यहाँ पे जो मेरा पहला प्राइवेट ड्रॉप गिर गया था तो भाई इसके अंदर मिल जाती है स्लाइड मशीन गन तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि भाई ये भी मेरी बहुत फेवरेट गन है। और भाई अब दोस्तों अब जो भाई मेरे को AWWM नहीं मिली थी मैंने कहा अरे यार AWWM नहीं है अब क्या करूं। अब फिलहाल दोस्तों यहां पे जो है या तो मेरे को M14 तो गॉडगन छोड़नी पड़ेगी और यहां पे दोस्तों जो है मेरे को AMR उठानी पड़ेगी लेकिन दोस्तों यहां पे जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना मैंने कहा यार सोलो खेल रहा हूँ तो भाई AMR की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और मैं देखता हूँ मेरा जो दूसरा ड्रॉप है ना भाई वो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई हवा में लटक गया है मतलब भाई इस घर के ऊपर गिर गया है लेकिन दोस्तों इतने भाई मेरे ऊपर फायर होता है मैंने कहा अरे भाई ये बंदा कौन है तो भाई ये मूटर लेके ना मेरे को मार रहा होता है बंदा। अब यहाँ पे पता नहीं भाई ये बंदा था क्या था भाई ये कवर पे चला गया और ये टीपी भी लेके भाई भी आप देखते मेरी कितनी कम हेल्थ कर दी इसने। अब फिलहाल दोस्तों इसको मैंने मारा और भाई मेरे को ये कमलेश लग रहा था पता नहीं क्यों लेकिन भाई ये रियल वाले बंदे वाली हरकत कर रहा था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं वापस से अंबानी निकालता हूँ और मैं फेंक के मारता हूँ और सोचता हूँ बन जाऊंगा अंबानी और भाई ये जो है ड्रॉप निकाल लूंगा तो भाई यहाँ पे दोस्तों मैं पहला बम फेंकता हूँ पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है मैंने कहा अरे यार। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं बैठ के लगाता हूँ तो क्या फिर मैंने कहा नहीं यार लैपटॉप लगाता हूँ क्योंकि भाई दो पड़े और काम किस लिए आएंगे भाई पूरी हेल्थ कर लेते हैं भाई फटाफट से क्योंकि आसपास कोई बंदा भी नहीं अभी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा पूरा का पूरा ध्यान ये था कि भाई इसको मैं कैसे निकालूं क्योंकि भाई मेरे जो है ना मन में थी या तो मैं AMR उठा लूंगा अगर यहाँ पे दोस्तों जो है मतलब भाई अगर उसके अंदर AWWM नहीं हुई तो यहाँ पे दोस्तों जो है भाई मैं जो है भाई फटाफट से इसको भाई मारता भी हूँ थोड़ा बहुत ही पीछे खिसकता है लेकिन भाई मैं देखता हूँ जिस हिसाब से गैप था ना ये भाई आ नहीं पाएगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैंने डिसाइड करा मैं जो है टावर पे जाऊंगा और भाई टावर के ऊपर से जंप करूंगा और फिर जो है दोस्तों यहाँ पे जो मैं ड्रॉप को एक्सेस कर सकता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरा आइडिया काफी सही था इसलिए दोस्तों मैं फटाफट से जाता हूँ और भाई लिफ्ट में बटन दबाता हूँ और सीधा दोस्तों यहाँ पे जो है छठे फ्लोर की तरफ दबाता हूँ ठीक है भाई सीधा टॉप फ्लोर पे जाना है मेरे को। अब क्योंकि भाई टॉप फ्लोर से जाऊंगा तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मेरा काम इजिली हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो एकदम टॉप पे आता हूँ और भाई मैं जो इसका यूज करता हूँ ये जो हैंगिंग ग्लाइडर है ना और यहाँ पे दोस्तों जो मैं इसको गेट ऑफ कर देता हूँ भाई फटाफट से। अब हालांकि दोस्तों मेरे पास पावर भी थी जिससे दोस्तों यहाँ पे जो मैं ग्लाइड करके आ सकता था लेकिन फिर मैंने कहा भाई जब इससे ही ऑप्शन मिल गया तो भाई इसका यूज कर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसको खोलता हूँ और भाई इसके अंदर मेरे को मिल जाती है गर्जा और भाई गिली सूट भी था तो फिर मैंने कहा यार लेकिन दोस्तों इधर में कमलेश आता गौरव आजा केडी बना ले डन 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 डन। मैंने कहा कमलेश भाई ऐसे टाइम पे मत आ यार डिस्टर्ब मत कर यहाँ पे इतना बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि कौन सी गन उठाई जाए कौन सी ना उठाई जाए भारी मिस्टेक हो गया सर एकदम वॉलंटियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर घर जाती और मेरा कमलेश 14 थी तो मैंने कहा यार मेरा कमलेश 14 तो मैं चलाऊंगा नहीं फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं आज छोड़ देते हैं M4 तो गॉड दे दो क्योंकि भाई यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है लॉबी बिना ऐसी ढीली लुंगी वाली लग रही थी जैसे ही दोस्तों मैंने गीली लुंगी पहना हुआ था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एटैक्स लगाए AMR में और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने डिसाइड करा मैं जो है भाई स्लाई मशीन गन को और साथ में दोस्तों AMR को लेके भाई जो आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मैंने जो है डिसीजन तो ले लिया था लेकिन दोस्तों देखना ये था कि ये मेरा डिसीजन सही होगा या गलत होगा। फिलहाल दोस्तों मैंने जिस कमलेश को मारा था मैं उसकी पेटी में लूटा पार्टी करने आया था और भाई उससे मेरे को एक दिल जंपिंग जबाक जंपक जंपक मिल गया था मतलब वो जंप करने वाला ट्रैम्पोलिन। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो भाई ये गाड़ी लेके आया था एनिमी तो भाई इसकी गाड़ी पकड़ते हैं और यहाँ से दोस्तों सीधा निकल जाते हैं बंदे ढूंढने धूम मचाते हुए क्योंकि भाई अभी तक मेरे साथी के लिए थे जिनमें से दोस्तों आधे तो मैंने कमलेश मार के अपनी केडी बढ़ाई थी तो फिर मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब देखो यार पबजी मोबाइल जो है ना मैं इसलिए नहीं खेलता हूँ आजकल पबजी मोबाइल KR जो है ये क्योंकि भाई इसमें दोस्तों मेरे को जो है ना इजी लॉबी मिलती है कुछ ज्यादा ही मतलब भाई कमलेश कुछ ज्यादा ही मिलते हैं हालांकि दोस्तों कौन कमलेश है कौन विमलेश है पता भी नहीं चलता कई बार तो इसमें मतलब भाई हरकतें ऐसी होती है बंदों की इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं ज्यादातर BGMI खेलता हूँ लेकिन आप टेंशन मत लो भाई टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना अगला जो गेम प्ले ना वो भी मस्त आने वाला है क्योंकि अब तो 31 डेज का चैलेंज ले लिया तुम्हारे भाई ने तो भाई कल भी वीडियो आएगी टेंशन मत लो। और अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना पबजी वाले KR भी ज्यादा खेलने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना मेरे को खेलना ही पड़ेगा ताकि दोस्तों थोड़ी लॉबी अच्छी आए ताकि मैं आप लोगों को कुछ नया दिखा सकूं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखते सामने जो है सरकारी ड्रॉप गिरता है, और आपको पता है सरकारी ड्रॉप और सरकारी जॉब को छोड़ता नहीं है, सब अपनी गंदी दिखाते। तो दोस्तों मैं भी जो निकल जाता हूँ, अब आप कहोगे भाई दो दो एयर ड्रॉप लूटो भाई कितनी गंदी रहते तेरी, तो भाई मेरी बहुत ज्यादा गंदी रहता है। और आप देखो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या होगा, भाई साहब इतनी चूरन की स्पीड में आया ना भाई मैं इस ड्रॉप को लूटने के लिए। आपने देखा भाई दो दो गटर पार कर दिए मैंने, मतलब भाई दो दो गटरों के ऊपर से भाई गाड़ी निकाल दी। अब फिलहाल दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ ना सरकारी ड्रॉप की तरफ, तो मुझे लगता है कोई आसपास बंदा सकता है, तो मैं गाड़ी घुमाता हूँ और फटाफट से आता हूँ इधर, और मैं देखता हूँ इसके अंदर भी ए बार है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं काफी खुश होता हूँ, क्योंकि भाई अब मेरे पास ए बार की काफी बुलेट हो गया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है ए बार भी भाई जो है AWWM से कम नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो इसकी बुलेट कम मिलती है, इसलिए भाई मेरे को AWWM ज्यादा पसंद है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है अब तो मजा आ गया था। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं सरकारी ड्रॉप लूट के ना मैं सीधा बंदे ढूंढने के लिए निकल गया था, क्योंकि भाई अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को कोई भी बंदा मिल नहीं रहा था, और मैं काफी देर से परेशान हो रहा था। मैंने कहा बंदे गए तो कहाँ गए, तो फिर मैंने कहा काम करते हैं इवेंट के साइड पे चलते हैं, ठीक है जो इवेंट है ना, मतलब जो जहाँ पे दोस्तों जो है इमेजिनेशन वर्ल्ड है वहाँ पे जाते हैं, और भाई वहाँ पे दोस्तों हो सकता है कोई मेरे को बंदा मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं वहीं पे निकल जाता हूँ, और अब देखो अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आता हूँ सफल, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को रिस्पॉन कार्ड मिल जाता है, जो कि मेरे पास नहीं था। और यहाँ पे तो मैंने चुपचाप से गीली लूंगी पहन के लेट जाता हूँ। मैंने कहा कोई घूम रहा होगा तो कर दूंगा उसकी ढीली लूंगी पहन के गीली लूंगी। अच्छा फिर मैंने कहा यार बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम शुरू करो, कन्वर्ट करना लेके प्रभु का नाम। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था गौरव भाई ऐसे करो फ्लेयर गन आ जाएगी, वैसे करो फ्लेयर गन आ जाएगी। भाई साहब मैंने जो है ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं मिस्टर इंडिया हैकर से कम थोड़ी ना हूं। तो गाइस यार मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खुराफाती रहा हूं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने भाई एक्सपेरिमेंट करे थे, और भाई मेरे को 4x मिल गया था, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन फिर मैंने कहा भाई अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा, फ्लेयर गन मंगा के देखते हैं। तो भाई मैंने पता नहीं देखो यहाँ पे क्या क्या करा, और यहाँ पर मेरे को एक अमृत का घड़ा मिल गया। मैंने कहा अरे भाई साहब ये मस्त है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने भाई अपना 4x वापस से वेस्ट कर दिया था, तो भाई मुझे स्कोप चाहिए था, या फिर दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को फ्लेयर गन चाहिए थी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा चलो एक 500 का बंडल फेंक के मारते हैं और चेक करते हैं इसके साथ क्या बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने 500 का बंडल और 7.5 की एमो लगाई, और यहाँ पर दोस्तों आप देखते मेरे को जो है कैनन में मिल गया। अब मैंने कहा यार ये भी जो है मजा नहीं आया कुछ, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूं भाई फ्लेयर गन कैसे मिलेगी। तो भाई मैंने थोड़ी सी हार मान ली थी, और मैंने कहा चलो भाई गेम पे ध्यान देते हैं, बंदे चेक करते हैं, क्योंकि भाई मेरे को जो है कन्वर्ट करके फ्लेयर गन वगैरह तो मिल रही थी, और कुछ खास मेरे को मिल भी नहीं रहा था। फिर मैंने कहा यार क्या करूं दोबारा ट्राई करें क्या। तो यहाँ पर जो है मैंने दोबारा ट्राई किया, और भाई मैंने सोचा चलो अब दोबारा ट्राई करते हैं, क्या पता इससे कुछ हो जाए। मैंने कहा भाई फ्लेयर गन कोई डाल के देख लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो पहले तो मैंने फ्लेयर गन को फेंक के मारा, क्योंकि इससे कुछ मिलना था नहीं। तो फिर मैंने दोस्तों यहाँ पर सोचा कि भाई क्या करूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो यार यहाँ से निकलते हैं, ठीक है बंदे नहीं मिल रहे। भाई मेरे को ना काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, मैंने कहा कैसी लोबी लग गई, क्या लोबी लग गई भाई, बंदे क्यों नहीं मिल रहे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं पहले तो, ठीक है तभी बंदे मिलेंगे शायद। अब यहाँ पर दोस्तों जो है गाड़ी लेके निकल ही रहता हूँ, और आप देखो क्या होगा मेरे साथ। अब यहाँ पर तो आपको कुछ आवाज आई, भाई मेरे को आवाज आ गई थी कि कोई बंदा है, ठीक है, जो कि मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर एकदम रुक गया चुपचाप से। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो भाई मैं भी डर गया था, मैंने कहा अरे यार कहीं ये जो है मेरे को मार रहे थे, ठीक है कैम वैम करके। तो मैंने भाई थोड़ी देर ना यहाँ पे होल्ड किया, और फिर दोस्तों यहाँ पर जो है नागिन बन गया। अब मैंने कहा भाई साहब ऐसा नागिन बन के डसूंगा आ तो जाए एक बार ऊपर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ये आता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई मैं भी जो है थोड़ा बहुत जो है नागिन बन के थोड़ा खिसक के मारता हूँ। तो फिर मैं दोस्तों यहाँ पे जो शुरू हो जाता हूँ, अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैं ऐसे नागिन बनते बनते ना थोड़ा आगे तक आता हूँ, और अब देखो मेरे को वो बंदा दिखेगा भी। अब मैं सोचता था भाई वो बंदा गया तो गया किधर, भाई सांस भी ले रहा एकदम। और भाई फैल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को दिख जाता है बैठ के, देखो पहाड़ी के नीचे टट्टी कर रहा था। तो मैं निकालता हूँ AMR और पट से हेडशॉट। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इसको मैं मार देता हूँ, और भाई ये जो है रियल बंदा था, ये कमलेश नहीं था। भाई ये जो है ना चुपचाप से बैठ के वेट कर रहा था कि मैं कोई पोजीशन दूं, और भाई यहाँ पे दोस्तों ये मेरे को मार दे। अब फिलहाल दोस्तों इसको मारने के बाद ना मैंने कहा यार मैप में कहाँ जाऊँ। तो भाई मेरे को जो है ना मैप में एक और जगह दिखती है जो कि बिल्कुल इवेंट जैसी थी, ठीक है छोटे छोटे जो है मतलब सर्कल से बने हुए थे। तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं, शायद वहाँ पे मेरे को बंदे मिल जाएंगे। और अब देखो अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैं देखता हूँ सामने एक ऑरेंज वाली टैक्सी वाला बंदा है। अब मुझे लगता है इसने मेरे को देख लिया, लेकिन आप सस्ते नशे देखो भाई, भाई साहब कहाँ देख रहा है, कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है अब आप समझ गए होंगे भाई पूरा सिनेरियो क्या है, कि मैं PUBG मोबाइल
केयर क्यों नहीं खेल रहा हूँ आजकल। अब भाई अगर ऐसे बंदे आएंगे तो फिर मैं क्या ही दिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है, हालांकि मेरी केड़ी भट रही अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है मेरे लिए, लेकिन दोस्तों मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा खेलूंगा तो हाई लो भी आएगी, थोड़े अच्छे बंदे भी आएंगे, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि भाई अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है बीजेएमआई में ज्यादा बेटर बंदे आते हैं जब तक मेरी लॉबी इसमें हाई नहीं होती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है, लेकिन आप टेंशन मत लो भाई, मैं जो है थोड़ा बहुत पबजी केयर को ज्यादा खेलूंगा, जिससे दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि लॉबी अच्छी आए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और मैंने कहा चलो भाई इस वाले एरिया को भी थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं, क्योंकि भाई झाड़ू मारना तो मेरा जो है जन्म से अधिकार है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कहा चलो भाई अब इसकी पेटी को लूटा पार्टी कर लेते, इतनी मेहनत क्यों करनी भाई, झाड़ू वाड़ू क्यों बीने, यही कूड़ा बीन के लाया होगा, इसकी पेटी में से डायरेक्ट कूड़ा बीन लेते, इतनी मेहनत क्यों करनी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं इसकी पेटी में आता हूँ और चेक करता हूँ क्या है। अब यहाँ पर जैसे इसकी मैं पेटी खोलता हूँ तो भाई इसके अंदर भी M14 द गॉड गन थे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया भाई मेरी AMR और भाई ये जो फेवरेट गन है, मतलब दोनों भाई बोलते हैं ना मशीन गन, मतलब स्लाई मशीन गन भी जो है ना भाई मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट गन है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना इसको फेंकने का मन नहीं करता है। अब फिलहाल दोस्तों इसकी पेटी में से लूटा पार्टी करने के बाद ना मैं वापस से जो है थोड़ा बहुत कन्वर्ट करने लग गया था। मैंने कहा क्या पता भाई कन्वर्ट करके मेरे को फ्लेयर गन मिल जाए या कुछ ढंग की चीज मिल जाए, तो यहाँ पर मैं जो है ना कन्वर्ट करता था बार बार, आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें डालने की कोशिश करी, ठीक है कि भाई कुछ मिल जाए कुछ अच्छा सा निकल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना भाई मेरे नसीब में टट्टी था, क्योंकि भाई देखो आप देख सकते हैं भाई मैंने इतना ट्राई किया लेकिन भाई देखो क्या दे रहा है ये भाई, मतलब क्या दे रहा है, मैं कहाँ लगाऊंगा ये एक्सटेंडेड। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया था, मैंने कहा अरे यार कुछ ढंग का दे नहीं रहा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैंने करोड़ का टीका निकाला और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने बिलाव कर दिया भाई इसके साथ 7.5 MO का, मतलब भाई 7.62 का, और भाई मेरे को एक मिल गई स्टिंग। अब मैंने कहा स्टिंग का भी क्या करूंगा भाई, मेरे को चाहिए फ्लेयर गन, मैंने सुना था भाई फ्लेयर गन मिलती है भाई इसको दोनों को अटैच करने के बाद, मतलब थोड़ा बहुत जो है स्कोप और मतलब एमओ को अटैच करोगे आप तो भाई हो सकता है आपको फ्लेयर गन मिल जाए, और भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ों से मैं सुन रहा था आपके मुंह से भाई फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन आप देखते मेरे को तो वही चीज़ मिल रही जो मेरे पास ऑलरेडी बैग में है, तो मैंने कहा भाई इसी की तो कमी रह गई थी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने बहुत तरह तरह की चीज़ें की ट्राई करी थी, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं कभी 3X लगा रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब देख रहे हो आप फिर से 3X बन गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा क्या ये टट्टी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है भाई मैंने जो है वापस से एक बार दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश करी और भाई आप देख सकते हैं फिर से कूड़ा बन गया था, और भाई अब तो एक ही रिमेनिंग बचा था कन्वर्ट करने के लिए, फिर मैंने कहा मेरे को कन्वर्ट करना ही नहीं है, मैंने कहा अरे भाई अपनी स्टिंग तो उठा लो, स्टिंग रह गई। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं वापस से अपनी स्टिंग उठाता हूँ और भाई यहाँ से कुछ फालतू का फेंकता हूँ ताकि भाई मेरी स्टिंग पूरी आ जाए मेरे जेब में, और उसका दोस्तों यहाँ पर जो भाई मैं जो सामने देखता हूँ टैक्सी खड़ी है, तो मैंने कहा क्यों ना इसका टायर फोड़ के भाई फटाफट से दोस्तों यहाँ पर जो है धूम मचाते हुए बंदे ढूंढने निकल जाते हैं, और अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को बंदे कहाँ मिलेंगे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना बंदे ढूंढते पागल हो गया था, फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं गाड़ी चेंज कर लेते हैं भाई, डासी उठाते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने डासी उठाई ना तो भाई पता नहीं मेरे अंदर क्या चूल्हा, मैंने कहा भाई आज ग्लाइडर दिख गया, चलो भाई इस ग्लाइडर को उड़ाते हैं और ग्लाइडर से ढूंढ ढूंढ के बंदे मारेंगे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जिस ग्लाइडर को देख के ना भाई मेरे अंदर जो है बचपन जाग गया मेरा, और भाई यहाँ पे उसको बैठते ना मैंने बोला आज हम चलाएंगे, क्या बोला तूने, आज हम चला लेंगे ग्लाइडर भैया, आज हम चला लेंगे ग्लाइडर भैया, चलाएंगे और बंदर की छोटी रगड़ देंगे भैया, आज उड़ाऊंगा मैं ग्लाइडर, आज उड़ाऊंगा ग्लाइडर। अरे 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 बहुत तगड़ा पायलट है तू तो भाई साहब, अरे अरे तुम तो एकदम हैवी ड्राइवर निकले। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई साहब मैं ऐसा ठुका ना, फिर दोस्तों यहाँ पे जो मैं थोड़ा चलो इसको सीधा करके उड़ाते ही है, लेकिन भाई साहब पीछे से आवाज आती है और मेरी टट्टी निकल जाती है, मैं ग्लाइडर को छोड़ के फेंक के मारता हूँ और मैं देखता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई आसपास बंदा है, और भाई मेरे को वो बंदा दिख भी जाएगा अभी आप देखना। अब जैसे दोस्तों आपने देखा भाई वो पेड़ के पीछे टीपी भी लेता, तो यहाँ पर से मैं निकाला अंबानी, क्योंकि मैं हूँ अंबानी, और आप देखो ओम भट सुहा बड़ूम। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इसको मार देता हूँ, उसका दोस्तों यहाँ पे जो पता नहीं ये भी कमलेश था या विमलेश था समझ ही नहीं आता, और मैं दोस्तों यहाँ पे जिसको लूटा पार्टी करने जाता हूँ, और अब देखो क्या होगा। अब भाई इसकी पेटी से ना मैं वही फटाफट से जो है 6X उठाता, क्योंकि भाई मेरे को 6X काफी ज्यादा पसंद है, और भाई मैंने देखा इतने दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक बंदा आ रहा भागता हुआ, डुन 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 गौरव आजा केटी बढ़ा ले डुन 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 डुन। अब भाई कमलेश था या विमलेश था समझ ही नहीं आया, मैंने मार दिया भाई बेचारे की बेइज्जती होगी अगर ये विमलेश होगा, लेकिन दोस्तों भाई पीछे कंफर्म दो कमलेश थे जो कि टैप टैप करके बुलाते गौरव आजा केड़ी बढ़ा ले डुन 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 जल्दी जल्दी आपस में लड़ रहे हम, केड़ी बढ़ जाएगी हम दोनों की। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं मारता हूँ पट से हेडशॉट, और मैं देखता हूँ दूसरे वाले कमलेश का है, दूसरे वाले कमलेश का, अरे उसका तो हरा हरा पात निकल गया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ जैसे वो मर गया ना, तो मैंने कहा अरे यार लास्ट बंदा बचा ये क्या हो गया भाई, लॉबी खत्म होगी, और भाई ये वाला कमलेश भी मेरे पास आता है भगता होगा वाले केड़ी बढ़ा ले डुन 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 डुन, और भाई मैं इसके एक मार देता हूँ भाई साहब ये बच जाता है। अब भाई साहब ये तो पागल हो गया, मैंने इससे एक मारा भाई इसकी तो ज्यादा चले गए भाई, तो उड़ गया हवा में, ये देख लो लेट के जमीन में पकड़ा नहीं पटपट मार रहा था और भाई मेरे को मारने लग गया। फिर मैंने कहा यार कमलेश कितने अच्छे होते ना भाई, मेरी रोज केड़ी बढ़ाते हैं,
तो मैंने कहा यार चलो इसके साथ थोड़ा जो है ना मजाक किया जाए, थोड़ी बातें की जाए। तो मैं कमलेश से भाई बातें करने के लिए थोड़ा बहुत टहल रहा था और बातें करने लगा। भाई साहब कमलेश, मैंने पूछा भाई कमलेश क्या कर रहे हो तुम, एक चीज बताओ तुम यहाँ करके आ रहे हो, रुक जाओ मेरे को एक कमरे का घड़ा पीने दो यार। अब मैंने कमलेश से पूछा यार एक चीज बताओ, रियल बंदा नहीं भेज सकते थे क्या तुम, मतलब भाई मेरी लॉबी में तुम ही भरे पड़े हो क्या, तुम मेरी केडी बढ़ाओगे फिर लोग बोलेंगे कमलेश मारता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है कमलेश मेरे को बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई मैं वापस से हेल्थ लगाया जाता और मैं कमलेश को एक तरह से ट्रोल करता। मैंने कहा ले भाई तू ले, तू सारा माल लूट ले, एक काम कर और जो चाहिए वो ले, ठीक है मेरे को मार दे ले, तू आज चिकन कर ले। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं थोड़ा ट्रोल कर रहा था और मैं देखना चाहता कमलेश करेगा तो क्या करेगा, अब क्या ये मेरे सामान उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो भाई एक तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट करा और अब देखो, अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जब तक कमलेश जो है भाई मैं देख रहा था क्या कर रहा है, तो भाई मैंने इतने में लगा ली पट्टी क्योंकि कमलेश ने मार मार के निकाल दी थी टट्टी। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने सोचा यार चलो कोई नहीं, आज कमलेश को चिकन देके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई हम तो इजिली चिकन कर ही लेते हैं और भाई मैं क्या ही करूँगा चिकन करके भाई ऐसी लोबी में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं पैराशूट से थोड़ा बहुत और खेलता हूँ उसके साथ, थोड़ा सा मतलब डॉल के साथ में। फिर मैंने कहा यार ग्लाइडिंग डॉल से भी काफी खेल लिया, एक काम कर कमलेश मारे दे और देखते हैं एंड में क्या होगा। अब भाई साहब कमलेश मेरे को मारे जा रहा था। मैंने कहा कमलेश जल्दी कर यार, नया मैच भी खेलना है। और भाई जैसे दोस्तों पे मरता हूँ तो भाई कमलेश तो लूटा पार्टी कर रहा है, अभी भी कूड़ा मिल रहा है, चिकन हो गया चिकन खा जाके कमलेश। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और भाई 88 प्लस भाई साहब गोल्ड लॉबी बता रहे भाई क्या ही चलता है। वीडियो में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ भाई जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा फटाफट से फॉलो कर लेना। और हाँ भाई अब मेरा 31 डेज का चैनल चल रहा है तो भाई कल भी वीडियो आएगी, तो भाई तैयार रहना और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में। धन्यवाद।